एक आंकड़े के अनुसार स्नेक बाइट से लगभग हर साल 46,000 लोगों की मौत हो जाती है। स्नेक यानी सांप हम लोगों के लिए तो खतरनाक होते ही हैं, साथ में जो हमारे पेट्स डॉग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है, तो स्नेक्स होते हैं वो हमारे घर के आसपास कहीं पे तो छिप जाते हैं। स्पेशली रूरल यानी ग्रामीण एरिया में ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है, और अगर आपके पास अगर कोई फार्म हाउस है तो वहाँ पे ऐसा देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ तक कि ये अपने भोजन की तलाश में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इनका जो मेन भोजन होता है माइस हुआ, रैट्स हुआ, ये सब ज़्यादा होते हैं, तो उनकी तलाश में हमारे घर के अंदर भी घुस जाते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी जो है स्नेक बाइट जो है ह्यूमंस को हो सकता है और हमारे डॉग पेट्स को भी हो सकता है। और फ्रेंड, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, डॉग्स में जो है एक हैबिट रहती है, वो अगर स्नेक देखता है तो उसके ऊपर जो है वो अटैक कर देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्नेक बाइट आपको डॉग को हो जाए। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगर स्नेक बाइट आपके डॉग में हो जाता है तो उसमें डॉग में क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं, और उसके बाद आपको क्या सावधानी रखनी है, और फ्रेंड आपको ये बताएंगे उसका जो है ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, और फ्रेंड अंत में आपको बताएंगे कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे जिससे आप जो है अपने डॉग को ये बाइट होने से बचा सकें। ओके फ्रेंड, हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर सुभाष चंद मौर्या, वेलकम एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल डॉक्टर पेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे क्या होगा आपको पेट्स से रिलेटेड जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, इंडिया में अप्रॉक्स 250 स्पीसीज़ जो है स्नेक के पाए जाते हैं, जिसमें अधिकतर जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब वो उसके काटने से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, उन्हीं में से 4 स्नेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, और वो इंडिया में हर जगह लगभग पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है कॉमन करैत, दूसरा होता है इंडियन कोबरा जिसे नाजा नाजा भी बोलते हैं, तीसरा स्नेक जो है वो है रसेल वाइपर, चौथा स्नेक जो पॉइजनस होता है वो होता है इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर। तो फ्रेंड, ये सभी 4 जो है बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइजनस होते हैं, लेकिन ये मेनली जो है 4 जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। फ्रेंड, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो मौत हर साल होती है इसी कॉमन करैत के काटने से जो है होता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं अगर स्नेक बाइट आपके डॉग में हो जाता है तो आपके डॉग में क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं। फ्रेंड, डॉग के बॉडी पे आपको जो है फैंग मार, मतलब दांतों के निशान जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो जो मेनली आपको दिख सकता है वो होता है फेस रीजन में आपको देखने को मिल सकता है, नेक रीजन में देखने को मिल सकता है, या तो फीट में यानी लेग में जो है देखने को मिल सकता है, वो भी स्पेशली जो है अगर फ्रंट लेग में देखने को ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड, जहाँ पे स्नेक बाइट होता है वहाँ पे जो है रेडनेस और स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है, डॉग को वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस होने की वजह से डॉग को जो है ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि वो जो है पैंटिंग यानी मतलब जीभ निकाल के जो है वो हाँफने लगता है, उसका सेलाइवेशन बहुत बढ़ जाता है, उसका जो प्यूपिल जो आँख का प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है, और डॉग को जो है दिखना कम हो सकता है। किसी किसी डॉग में जो है वीकनेस हो जाता है हैंड लेग में, उसकी वजह से क्या होता है वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाता है, और कभी कभी डॉग जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो जो है बेसुध हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड, किसी किसी डॉग में जो है ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, वो ब्लीडिंग जो है नोज़ से हो सकता है, माउथ से हो सकता है, और जहाँ पे जो है बाइट किया रहता है वहाँ से भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकता है। अब फ्रेंड आपको बताते हैं अब आपको करना क्या है। फ्रेंड, अगर आपने जो है अपने डॉग को जो है किसी स्नेक से जो है फाइट करते हुए या उसके पास जो है देखा है, तो आप एकदम सपोज करके चलिए कि जो है उसको स्नेक बाइट आपके डॉग को हुआ ही है। फ्रेंड, आप तुरंत जो है अपने वेट डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड, ये भी हो सकता है कि आप जो है बाइट करते वक्त आपको जो है स्नेक को न देख पाएँ, तो फ्रेंड अगर जो मैंने साइन सिम्टम्स बताएं अगर वो आपके डॉग में साइन सिम्टम्स दिखते हैं तो आप जो है तुरंत अपने वेट केयर सेंटर जाने की तैयारी करना शुरू कर दें। और अगर आप जो है अपने वेट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें, उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें कि जो है हम रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं, हमारे डॉग को जो है स्नेक बाइट हुआ है, तो हो सकता है कि आपका जो वेट डॉक्टर रहे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दें कि आपको लाना कैसे है, आपको क्या सावधानी रखनी है, और इससे डॉक्टर को भी थोड़ा मेडिसिन जो है जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और फ्रेंड, इसके अलावा जो है आपको जो है अपने डॉग को जो है किसी भी प्लेस को जो है अच्छे से टॉर्निकेट मतलब बांधना नहीं है। अगर उसके पैरों में बाइट हुआ है तो आप जो है थोड़ा सा प्रेशर बैंडेज का यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड, कभी भी आप जो है अगर जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है उसको जो है सक करने मतलब चूसने की कोशिश मत करिए। फ्रेंड, आप बताते हैं कि आपका वेट डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट जो है अगर स्नेक बाइट आपके डॉग को हुआ रहता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका रहता है एंटी स्नेक वेनम, वो दिया जाता है। इस समय इंडिया में जो है मोस्टली पॉलीवेलेंट टाइप का जो है एंटी स्नेक वेनम होता है। इसमें क्या होता है करैत, कोबरा, वाइपर सभी के लिए जो है
वो एंटी स्नैक वेनम रहता है। पॉलीवेलेंट एंटी स्नैक वेनम से एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर सपोज करिए जो है कौन सा स्नैक बाइट किया है वो आइडेंटिफाई ना हो पाए, तब भी जो है आपके डॉग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड जो है स्टेरॉयड मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है क्योंकि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, उसको मल्टीविटामिन दिया जाता है, उसको फ्लूट थेरेपी दी जाती है। इसमें जो है क्लॉटिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जो है जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो उसके लिए क्लॉटिंग का मेडिसिन दिया जाता है। फ्रेंड अब आपको लास्ट में प्रिकॉशन आपको क्या लेना है उसके बारे में बताता हूँ। फ्रेंड जहाँ तक कोशिश करिए आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में आपका पेट्स रहता है तो उस एरिया को अच्छे से प्रॉपर हमेशा क्लीन रखें, और उस एरिया में जहाँ पे आपका पेट्स रहता है या आप रहते हैं वहाँ पे जो है कोई भी जो है रोडेंट्स यानी जो है रैट माइस ये सब जो है ना रहे, क्योंकि होता क्या है इन्हीं को खाने के लिए जो है वो घर के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपके जो है गार्डन में या तो कोई जो है फार्म हाउस पे जो है आपको अगर कोई स्नेक दिखा, हो सकता है कि आप उसे जो है अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, तो फ्रेंड उसे कभी भी नॉन पॉइजनस मान के जो है उसको नेगलेक्ट नहीं कर देना चाहिए। तो आप अपने नियरेस्ट जो है स्नेक कैचर से संपर्क कर सकते हैं, वो क्या करेंगे वो अच्छे से आएंगे उसको कैच करेंगे और उसको सुरक्षित जगह पे ले जाके उसको छोड़ देंगे। लास्ट मेरा गुजारिश है आप किसी भी स्नेक को देखते ही उसको मारिए मत, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरत होते हैं। तो फ्रेंड जब भी आपको कोई भी स्नेक दिखता है तो आप अपने एरिया के स्नेक कैचर से संपर्क करें और उनको बताएँ। फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्या होगा फ्रेंड फ्यूचर में आपको ऐसे ही पेट से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप जो है वो कमेंट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।